हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ तीन तरह के डिजाइनर पर्स। तो देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से पर्स हैं हमारे, छोटे छोटे कपड़े से बने हुए। तो देखिए, 10x7.5 इंच का ये दो पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, 2.5x और 21.5 इंच का ये पीस है एक, और ये देखिए 10x3 इंच का ये पीस है। और इसके ऊपर आपको देखिए फॉर्म और सा लगा के रेडी कर लेना है, और सिलाई वगैरह लगा लेनी है जैसे भी आप लगाना चाहो। तो देखिए, मैंने सिलाई वगैरह लगा दी, साइड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें कट कर देना है। दोनों पार्टों को आपको बराबर कर लेना है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है 3 इंच चौड़ा वाला, उसे हमें लेना है, और देखिए इस तरीके से दो पीस इसमें से कर लेने हैं। और ये जो हमने लंबा वाला पीस लिया था, इसको हमें इस तरीके से बीच में कपड़ा रखना है, और इस तरीके से स्ट्रिप बना के रेडी कर लेनी है। तो ये कपड़ा हमने इसीलिए रखा है ताकि डोरी हमारी थोड़ी सी थिक बने इसीलिए। अब देखिए, दोनों साइड से मैंने बराबर से कट कर दी, और ये दो डोरी बन के रेडी हो चुकी। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हमें पकड़ना है इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से इसमें साथ में हमें पाइपिंग लगाते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है, फोल्ड करते हुए भी सिल देना है, और दूसरी साइड से भी हम सेम तरीके से सीधा सिल देंगे, और फिर नीचे से भी सिल देंगे। इस तरीके से तीनों साइड से मैंने इसको सिल दिया है, केवल एक साइड रह गई है ऊपर वाली। अब हमने जो पट्टी थी उसके बराबर की एक जिप कट की, और इसके ऊपर से हमने जिप को अटैच कर दिया, ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, ये मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी, दूसरी साइड भी इस पट्टी को ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें हमें रनर डालते हुए और सेट कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसमें रनर डाल देंगे, और अगर आपको रनर नहीं आता डालना तो आप डीपली वीडियो चाहते हो तो मैं उसके लिए शेयर कर दूंगी आप लोगों के पास, आप मुझे कमेंट कर देना। अब देखिए, इस पट्टी को हमने एक तरफ से सिल दिया सीधा, और दूसरी तरफ से नापते हुए दूसरी तरफ से भी मैं सिल देती हूँ। तो आपको इसी तरीके से एक तरफ से पहले सिल लेना है, फिर दूसरी तरफ से नापते हुए सिल देना है सीधा। तो देखिए, बराबर आपकी पट्टी आनी चाहिए ये। अब इसको इस तरीके से तिकोना सा करना है, और सीधी सिलाई आपको यहाँ से 1/2 इंच की सी लगा देनी है। इस तरीके से 1/2 इंच की सी सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। दोनों तरफ से हमने सिलाई लगाते हुए इस तरीके से ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो आपको नाप लेनी है, और 20 सेंटर में आपको निशान लगा देना है। तो देखिए, 20 सेंटर मैंने इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा दिया है दोनों तरफ से। जो भी आप निशान लगाना चाहो, जितनी दूरी पर आप डोरी लगाना चाहो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो मैंने 1.5 इंच की दूरी पर दोनों डोरियों को अटैच कर दिया है, और दूसरी साइड भी मैं डोरी को अटैच कर दूँगी। और डोरी को लगाने के बाद में, आलपिन से सेट करने के बाद में, ये जो हमने स्ट्रिप रेडी की हुई थी चैन लगा के, उसको हमें देखिए पहले कॉर्नर से कॉर्नर सेट करना है, फिर 20 सेंटर में मतलब कि पूरे को इसको पहले आपको अच्छे से सेट कर लेना है, और ऊपर से फिर सिलाई लगा देनी है। तो आप पहले सेट कर लेते हो ना तो सिलाई लगाने में दिक्कत भी नहीं होती है बार बार पर कि देखो चेक करो इसकी, और ना ही बार बार पर आपको उधेड़ना पड़ता है। अब देखिए, ऊपर से हमने सिलाई लगा दी, और नीचे की साइड में इस तरीके से 1x1 इंच का एक डिब्बा बनाना है। तो 1x1 इंच का इस तरीके से मैंने डिब्बा बनाया, और इसको मैंने कट कर दिया, सिलाई को छोड़ते हुए निशान लगाया है और कट किया है। यहाँ से आपको कोने से कोना मिलाते हुए पकड़ना है, और साथ में पाइपिंग लगाते हुए सिल देना है। अब इसको हमें सीधा करना है, ऊपर से इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा सा पर्स बन के रेडी हो जाता है। और गाइस, बहुत ही प्यारा सा है पार्टी वियर पर्स बना है, आप देख सकते हो, और कमेंट जरूर करना इस पर्स के लिए। अब चलिए, दूसरा आइडिया है हमारा, दूसरा पर्स है हमारा ये। तो देखिए, मैंने सूट सिला था, उसमें से ये छोटी छोटी कतरन हमारी बच गई थी। अब मैंने सोचा इसमें से हम कुछ बना ही लेते हैं, इसको फेंकने से तो अच्छा। अब देखिए, इस तरीके से जो भी कतरन थी वो मैंने इस तरीके से इक्वल कट कर दी, जिस भी नाप की निकली उस हिसाब से मैंने इसको ले लिया, और प्लास्टिक बोरी के ऊपर मैंने इस तरीके से सेट करते हुए सेप दे दिया है। तो कट करने के बाद में इस तरीके से दोनों आपको दोनों पार्टों को आगे और पीछे वालों को बराबर इक्वल कट करना है। तो देखिए, दोनों को मैंने बराबर से सेट किया और बराबर से कट कर दिया। अब जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसकी हमें स्ट्रिप बना के रेडी कर लेनी है स्ट्रिप लगाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है आप पर्स ही बनाओ, आप मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर किट भी बना सकते हो। तो ये डोरी आप लगाना चाहो तो इसमें लगा सकते हो, नहीं तो वैसे भी आप इसे किट की तरह भी यूज कर सकते हो। अब देखिए, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है, चौड़ाई देखिए 8.5 इंच की है, और लंबाई 6.5 इंच करीब की है। अब देखिए, इसकी चैन ली है मैंने 14 इंच लंबी। तो अब ये मेरे पास टुकड़ा पड़ा हुआ था लंबाई चैन का, तो इसीलिए मैंने पूरी की पूरी ले ली। आप कम भी ले सकते हो, 10x12 इंच की भी ले सकते हो, 10x11 इंच की।
अब देखिए इस तरीके से चैन को आपको बीच सेंटर से पहले सेट करना है, सेंटर निकालते हुए सेट कर देना है और फिर नीचे से पकड़ते हुए अच्छे से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, ताकि हमारी जो चैन है दोनों तरफ बराबर लगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो चैन है वो इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर लग के रेडी हो जाएगी। अब इसे अच्छे से सेट करते हुए अंदर के कपड़े को ऊपर से सिलाई आपको लगा देनी है पूरे में। तो देखिए पूरे में मैं इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई लगा रही हूँ, और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड की चैन को भी, दूसरी साइड से के हिस्से को भी सेट कर लेना है। तो मैंने कर दिया। अब देखिए चैन को हमने इस तरीके से रनर को डाल देना है चैन के अंदर। तो ये हमने देखिए इस तरीके से रनर को डाला और चैन को पहले बंद करते हुए फिर से रनर को डाल दिया, और डालने के बाद में इसको हमें उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद में इसको हमें देखिए दोनों साइड से पहले सिलना है, जो भी ओपन पार्ट है वहाँ से हम इसको सिल देंगे इस तरीके से सीधा लेते हुए। तो एक तरफ से सिला, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी सीधा सिल देना है। तो दोनों तरफ से सिल दिया। अब हमें जो नीचे वाला हिस्सा है ओपन, उस पर हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने नीचे वाले हिस्से की भी सिलाई लगा दी है इस तरीके से। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1x1 इंच का सा सिलाई को छोड़ते हुए। तो 1x1 इंच का मैंने इधर निशान लगाया और 1x1 इंच का ही मैंने इधर निशान लगाया। इसको हमें कट करते हुए देखिए इस तरीके से और कोने से कोना मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी। इस तरीके से हमारी छोटी सी किट बन के रेडी हो जाती है। और अब आप इसे पर्स वाला लुक देना चाहो तो इसमें डोरी लगा देना। तो देखिए मैं डोरी लगाना भी बता दे रही हूँ, इसीलिए मैंने रेडी कर ली थी ताकि आप इसे दोनों तरह से यूज कर सको। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगाया, आप जितनी भी दूरी पर रखना चाहो। तो मैंने ये बीच में 3 इंच का गैप रखा है। इस तरीके से जिप को आपको खोलना है और दोनों साइड में इस तरीके से दबाते हुए स्ट्रिप को अटैच कर देना है। तो ये हमारा क्यूट सा पर्स बन के रेडी हो जाएगा छोटा सा। आप इसमें मेकअप का सामान या मल्टीपर्पज़ कुछ भी सामान इसमें रख सकते हो। तो गाइज ये वाला पर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलिए तीसरा आइडिया हमारा ये। तो देखिए छोटे छोटे कपड़े मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इसको भी हम बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ। अब मैंने शॉपिंग बैग लिया जो कि हमारे कपड़े वगैरह में आ ही जाते हैं, तो मैंने ऐसे कि ऐसे डबल ही रख लिया। इसमें मैंने ना ही प्लास्टिक बोरी ना ही फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, केवल एक शॉपिंग बैग का ही इसमें मैं यूज करने वाली हूँ। वो भी देखिए आधा सा ही लगेगा और इसमें पॉकेट लगाएंगे तो लगेगा बस। अब देखिए इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से। आप जैसे भी इसमें सिलाई लगाना चाहो अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हो। तो मैं इसमें पहले सिलाई वगैरह लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने सिलाई वगैरह लगा ली है, जिप ले ली है, रनर ले लिया है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है देखिए 5 इंच की लंबाई है, चौड़ाई इसकी 7.5 इंच की है। तो इस तरीके से जो भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है वो मैंने बाद में एडजस्ट कर लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और यहाँ से हम देखिए पीछे की साइड से लगा रहे हैं निशान ताकि दिखे आपको। 1 इंच की चौड़ाई में मैंने ये निशान लगाया और इसको मैंने 1 इंच की चौड़ाई में ही लेते हुए इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के बाद में हमें यहाँ पर जिप को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जिप को अटैच कर दिया। ऊपर वाले हिस्से को भी हमें जिप के साथ में अटैच करना है, फिर से जिप को लगा देना है ऊपर की साइड में। अब जिप को हमने जो लगाया हुआ है वहाँ पर हमें देखिए बीच में जो कपड़ा है वहाँ पर कपड़े को अटैच करना है ताकि नीचे वाली जो पॉकेट है वो सेट हो जाए, बन जाए। अब इसके बराबर से हमें इसको कट कर देना है क्योंकि हमने इसमें 2 जिप लगाई हुई है, तो उसके लिए अलग से पॉकेट लगाने की ज़रूरत है, अस्तर लगाने की। तो देखिए तीनों पार्टों को मैंने अटैच कर दिया। एक डोरी आपको लेनी है इसमें पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको कोने पर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं देखिए मैंने इसको डोरी को रखा। रनर को आपको पहले ही डाल देना है इस सिलाई को लगाने से पहले। अब आपको एक एक करके तीनों तरफ इसमें सिलाई लगा देनी है। तो एक एक करके ही लगाओ तो अच्छा सा फिनिशिंग आएगी। अगर आप एक साथ तीनों तरफ लगाओ, वैसे लगा भी सकते हो लेकिन तीनों तरफ लगाते हो तो कभी कभी झोल भी आ जाती है या फिर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। और अगर आप एक एक करके सिलाई लगाते हो तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी और ना ही टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि हम फिर नाप के ही चलेंगे इसीलिए। अब देखिए दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी। अब दोनों तरफ अब ऐसे लंबाई को मैं नाप लेती हूँ दोनों तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत छोटा ऊंचा नीचा ये लग रहा था तो मैंने देखिए उसी हिसाब से इसमें अब ये सिलाई लगा दी। तो यही तो फ़र्क होता है पहले नापने में और बाद में नापने में। अगर आप पहले ही नापते हुए चलते हैं ना तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही प्यारा सा लुक आता है जो भी हम बनाते हैं चीज़ को।
अब देखिए इसको हमने जो एक्स्ट्रा था चारों साइड से उसको कट कर दिया और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डबल जिप में पर्स बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए देखिए हमने सीधा कर दिया है इसको और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना तीनों पर्स में से सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सा आया और कौन सा पर्स आप बनाने वाले हो। बाय बाय।